गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का फिफ्थ की मैथ की एक्सरसाइज 5.4 का सी पार्ट। पहले हमने इसके ए और बी दो पार्ट किए हैं। सी पार्ट है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी चढ़ता क्रम। तो चढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह ये फ्रैक्शन से लिखनी है। तो जो पहला सम है देखो, उसमें क्लास ए एक्स 5.4 पार्ट सी असेंडिंग ऑर्डर। चढ़ता क्रम तो पहला सम है 3/7, 12/7, 5/7, 2/7। ठीक है, तो देखो इनके अंदर डेनोमिनेटर सबके सेम है। डेनोमिनेटर अगर सेम हो फ्रैक्शन के अंदर, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है। तो सबसे पहले ये आएगी 2/7, फिर 3/7, फिर 5/7 और लास्ट में 12/7। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट करते हैं हम, सेकंड है लो। सेकंड सम है 5/20, 3/5, 11/10, 13/15। ये जो फ्रैक्शन है इनके अंदर क्या है, सभी के डेनोमिनेटर अलग अलग हैं। जो पहला सम किया था उसके अंदर सबके डेनोमिनेटर सेम थे, इसके अंदर सबके डेनोमिनेटर अलग हैं, तो इसलिए हमें पहले क्या करना है, 25, 10 और 30 इनका एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। जैसे आपने पहले जो सम किए थे उनमें हमने एलसीएम निकाला था, ऐसे करके ये एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड होता है। तो पहले 2 पर करेंगे 10, 5, 5, 15, जो डिवाइड नहीं होता है उसको उसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 पर और करेंगे 10 को 2 से करेंगे 5, फिर ये 5 का 5, 5 और 15। अब 3 से 1 नंबर हो रही है, 5 आएगा 15 का, 5 से सारी डिवाइड हो रही है, 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो ये नंबर आ गया है या 2, 2, 3, 5, इनकी मल्टीपल करनी है एलसीएम निकालने के लिए। आपका फेयर काम है 2, 2, 3, 5, ये आएगा 60। ठीक है, अब आपने 60 को यहां लाइन लगा करके इसके नीचे लिखना है ऐसे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 60 को जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना है। ये आपका काम है, ये आपका फेयर काम है जो मैंने एलसीएम निकाला है। ठीक है, 60 को आप 20 से डिवाइड करोगे, 3 आंसर आ गया। ठीक है, जो 3 आंसर आया है उसकी 5 के साथ मल्टीपल करनी है। पहले क्या करना है, 60 को 20 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर जो आंसर आया है उसकी 5 के साथ मल्टीपल करनी है। कितना हो गया, 15 हो गया। अब 60 को आपने 5 से डिवाइड करना है, 5 1 5 1 0 5 2 10, 12 आ गया, 12 की 3 के साथ मल्टीपल 36, 12 3 36। अब 60 को 10 से डिवाइड करना है, 6 पर जाएगा, 6 आंसर आ गया, 6 और 11 की मल्टीपल 66। अब क्या करना है, 60 को 15 से, यानी डेनोमिनेटर से डिवाइड करते जाओ, जो आंसर आता है उसकी न्यूमिनेटर के साथ है मल्टीपल करते जाओ। 60 को 15 से डिवाइड, 4 पर जाएगा, 4 की 13 के साथ मल्टीपल 52। ये रफ काम आपका, इसको इरेज कर देते हैं।
भी कौन सी फ्रैक्शन का मान सबसे कम आया है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, ठीक है, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी है। तो कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम है, जो सबसे आगे लिखी हुई है उसकी वैल्यू आई है 15, यानी 5/20 है जो सबसे पहले लिखेंगे। अब इसको छोड़ दिया, इनमें सबसे कम किसकी है, 3/5 की, इसकी 36 आई है। अब 52 आई है वैल्यू किसकी, 13/15 की, और लास्ट में ये जो सबसे बड़ी है 11/10। इस तरह करना है, पहला सम किया था उसके अंदर डेनोमिनेटर सेम थे इसलिए एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अंदर डेनोमिनेटर अलग अलग है तो सब पहले हमें उनका एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम को यहाँ लाइन लगा कर उसके नीचे लिखना है, फिर एलसीएम को आपने जो सभी फ्रैक्शन है उनसे डिवाइड करते जाना है, आंसर आए उसकी न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करते जाना है। इसी तरह इसका अगला पार्ट होगा, थर्ड सम कर देता हूं मैं इसी का। Thank you.